हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। अभी मैंने एक गाना सुना, बरसात ना हो जाए, और ये जुबिन नौटियाल ने गाए। यूजली वो गाने बहुत अच्छे तरीके से गाते हैं, उनके बहुत सारे फैंस हैं। और जिस तरीके से ये इंडिविजुअली बाहर से आए, इनका कोई माई बाप नहीं था इंडस्ट्री के अंदर, फिर भी हैज़ मेड अ गुड नेम फॉर हिमसेल्फ, तो काफ़ी अच्छा लगा। अब इस गाने के अंदर जिस तरीके की गायकी है और क्या विजुअल्स आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और जो केमिस्ट्री है रिद्धि डोगरा की और सिविन नारंग की, जो मेन लीड हैं इसके अंदर, वो किस तरीके की, वो डिस्कस करेंगे। ये जो होल थीम है बरसात हो जाए, बेसिकली री इग्नाइटिंग लव की कहानी है कि हमारे अंदर आज भी मोहब्बत है, लेकिन हम जब पहली बार मिले थे तो उसको रीलिव करके देखते हैं, और कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं छोड़ते हैं जो हमारे को लवी डबी फीलिंग कराने से वंचित छोड़ दे सोटो से। तो जो विजुअल्स रखे गए हैं वो काफ़ी रोमांटिक हैं, पहाड़ों के बीच में, और जो शुरू भी होता है सेक्सोफोन से वो काफ़ी अच्छा लगता है। इन दोनों की केमिस्ट्री मैं बोलूँगा कि ओके ओके, मैं ये तो नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और जो सीन्स भी हैं इकट्ठे वाले काम हैं, लोग अलग अलग डांस कर रहे हैं, तो जो एक्टिंग स्किल्स हैं इंडिविजुअली ठीक हैं, लेकिन इकट्ठे होते तो और ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। जो होल फील ऑफ जो सॉन्ग है, जो इसके लिरिक्स हैं, वो काफ़ी अच्छे फाइन तरीके से करे गए हैं, और शुद्ध मधुर लगते हैं जब जुबिन गाता है इसको, तो कोई डाउट ही नहीं है उसके सिंगिंग के अंदर। बट ये जो सारा फ्लेवर है गाने का, थोड़ा 90s का आता है, कुमार सानू टाइप के जो गाने होते थे ना, रोमांटिक टाइप के, तो वो सिनेमे में आता, जो फ्रेशनेस लगनी चाहिए आज के ज़माने के हिसाब से वो थोड़ी सी कम लगती है। सेकेंडली आई थिंक जो प्रोडक्शन क्वालिटी है पूरे गाने की, जो फ्रेम भी लिया गया है या फिर जिस तरीके से दुकान दिखाई गई है, थोड़े से रगड़ हुए हुए हैं, वो थोड़ा सा प्रोडक्शन क्वालिटी थोड़ी सी ढीली है, शायद उतना ज़्यादा बजट नहीं रहा होगा इस गाने का विजुअली। हालांकि सिंगिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब जो मेन मेलेडी को करने के लिए जो कंपोजिशन है उसके अंदर कोई भी शॉर्टकट्स नहीं लिए गए, लेकिन विजुअली आई थिंक थोड़े से क्वालिटी इसकी और इम्प्रूव हो सकती थी। और जो 90s का गाना ये लग रहा है, उसके अंदर कुछ एक हल्का सा ट्विस्ट डाल सकते थे जिससे थोड़ा सा ये और मॉडर्न लगता। बाकी अगर हम लिरिक्स की बात करें तो हर एक लिरिक्स में जो लंबे चलने वाले गाने होते हैं वो थोड़े हमेबल होते हैं, इसके अंदर सुनने में अच्छा लगता है, एक दो बार ही सुनोगे, लेकिन हमेबल नहीं है ये, तो वो ऐसे शब्द नहीं मिलेंगे जो आप ऐसे चलते फिरते भी गा रहे हो, जिसकी वजह से ये गाना लंबा नहीं जाएगा। इनिशियली जुबिन के बहुत सारे फैंस हैं, वो उसको गाने को हिट बनाएंगे और उस टाइम उसको इन्जॉय करेंगे, बट लंबा नहीं जाएगा। मेरा मूवी शू भी स्कोर इसके लिए रहेगा 7 out of 10। इट्स अ डिसेंट सॉन्ग बट नॉट अ ब्लॉकबस्टर सॉन्ग। बाकी हम जल्दी मिलते हैं को रिव्यू के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।